नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी गुप्त साधना देने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में बहुत गुप्त है। गुप्त होने के साथ बहुत शक्तिशाली भी है। बाकी मनुष्य के विश्वास पे होता है, जैसा जिसको विश्वास है वैसा उसको इष्ट की प्राप्ति होती है। बाकी इस विद्या को लेकर के कोई गलत काम करे या सही काम करे, वो उसके कर्म उसके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाग शक्ति। जी हाँ, नाग शक्ति, शेषनाग भगवान का एक गुप्त साबर मंत्र जो कि मैंने अपने गुरु जी से बड़े आग्रह करके लिया था। वो देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने 2-3 महीने अपनी मेहनत करवाने के बाद मुझे ये मंत्र विधि बताई। जिस व्यक्ति ने एक बार इस मंत्र की साधना की तो यूँ समझ लें कि ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन बहुत परिश्रम भी है। बिना परिश्रम के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, और ये तो फिर भी तंत्र का मार्ग है। बिना कीमत चुकाए कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। चीज़ें जब अपनी कीमत डलवाती हैं तो पूरी कीमत डलवाती हैं। ये साधना होली दिवाली ग्रहण या विशेष तौर पर सिर्फ नागपंचमी या शिवरात्रि को ही शुरू की जाती है। बीच में इस साधना को शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस साधना को करने से पहले 6 महीने आपको भगवान भोलेनाथ के उपवास और उनकी आराधना, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। बिना शंकर जी के मनाए ये कार्य, ये साधना संभव नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बात करते हैं इस मंत्र की। ये मंत्र है शेषनाग भगवान का मंत्र, जो नाग शक्ति के मालिक हैं। बड़ा तीव्र मंत्र है। इसका प्रभाव जो कोई अनुभवी होगा उसको दूसरे ही दिन, वैसे तो पहले ही दिन पता चल जाएगा, और जिसको यानी जिसकी दृष्टि खुली है या जिसको भाव आता है किसी देवता की सवारी हो, पहले ही देखते ही बता देगा। दूसरी बात, धन की कोई भी समस्या हो, पैसे की कैसी भी समस्या हो, और एक विशेष बात बताता हूँ आपको, ज़मीन के नीचे जो निधियाँ होती हैं, गड़ा हुआ धन जो होता है, उसको प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, जैसे ज़मीन में कोई निधि गड़ी हुई है तो पहले ये मंत्र प्रयोग में होता था। जिस स्थान के ऊपर नाग शक्ति का वास हो, उस नाग शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उसको मनाने और हटाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग विद्वान हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, सबके हिसाब से अपना अपना चलता होगा, लेकिन जहाँ से दीक्षित मैं हूँ तो वहाँ से इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई किसी की कितनी भी रुकी हुई मनोकामना हो, नाग शक्ति का प्रकोप हो, या गलती से नाग की हत्या कर दी हो, गड़े धन के ऊपर से नाग शक्ति को हटाना हो या उसको शांत करना हो, तो ये मंत्र बहुत काम आता है। अच्छा, थर्ड आई ओपन करने में भी इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। इस मंत्र के जाप से थर्ड आई भी जो है वो ओपन हो जाती है। बाकी बात विश्वास की है, मानो देव नहीं तो पत्थर। आपके घर परिवार में यदि नाग की हत्या हो गई है तो उसका भी ये शांति का एक उपाय बन सकता है। इसके अनुष्ठान कर लेने के उपरांत साधक जो होगा वो तीनों कालों का ज्ञाता गड़ा हुआ धन निकालने में सक्षम हो जाएगा, और कहीं भी गड़े हुए धन पर किसी नाग शक्ति का यदि पहरा लगा होगा तो उस पहरे को शांत करने में साधक सक्षम हो जाएगा। सभी कोई एक दिन में तो नहीं सीखता है ना, बहुत अरसे लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है इन चीज़ों को सीखने में। एक ही समय में सब नहीं होता है। आदमी सोचे कि हाथों हाथ सब कुछ हो जाए और मैं इस विद्या में प्रवीण हो जाऊँ, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। मैं एक ही चीज़ का ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाता है कि ये नाग पंचमी और जो शिवरात्रि आती है भगवान भोलेनाथ की, उसके दिन अगर शुरू किया जाए बहुत शुभ होता है। सोमवार को आपको प्रति सोमवार उपवास करना है पहले से ही, यानी कि
आज से शुरुआत करेंगे तो समझ लीजिए कि 6 महीने आपको, क्योंकि देखें जिसके पास ऊर्जा ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, या कोई देवता किसी के ऊपर प्रसन्न ही नहीं है, दही में तो जाग लगाना पड़ता है ना, तभी तो दही बनती है। तो इसीलिए उस शक्ति को, आपके कुल देवता को, आपके इष्ट भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको पहले से उपवास करने पड़ेंगे सोमवार के, उससे ये शक्ति प्रसन्न हो जाती है। कई कई साधकों को हम देखते हैं कि सिर्फ भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करते हैं, इच्छाधारी नाग या कोई भी नाग उनके साथ आके विराजमान हो जाते हैं या उनको दर्शन दे जाते हैं, आशीष मिल जाता है उनको। इसका जो विधान है, सोमवार को आपने उपवास करना है और 108 फूल लेने हैं आपने, चाहे बेलपत्र ले लें या सफ़ेद रंग के कोई फूल ले लें, वो भगवान ये मंत्र को बोलते हुए 108 बार आपने 108 फूल चढ़ाने हैं भगवान शंकर के ऊपर। ऐसा बहुत नहीं करना पड़ेगा, 2 से 3 सोमवार में आपको अनुभव दिखने शुरू हो जाएंगे। वो आपके ऊपर है कि आप प्राप्त हुई शक्ति का नाश कर देते हैं किसी को बताकर, या अपने पास गुप्त रखते हैं, क्योंकि शक्ति वही रहती है जो गुप्त रहती है। कहने की बातें हैं कि जिससे मर्जी बता दो, जिससे अनुभव बता दो, अनुभव आप शेयर करोगे, आप ये बातें दूसरों को बताओगे तो सत्यानाश होना ही है, सिद्धि खंडित हो जाएगी, इसमें कोई झूठ नहीं है। थोड़ा इस चीज में ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस साधना को जब आप करोगे तो बहुत सारे नागों का आकर्षण आपकी तरफ हो जाएगा, आप जहाँ पूजा करोगे पाठ करोगे वहाँ पे हो सकता है आपको दृश्यमान हो जाए, दर्शन दे जाए, तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस साधना को जब तक आपने चलाना, यानी कि जब से आप व्रत रखना शुरू करोगे, इसको संयमी व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति ही करे, जिसके लंगोटे में गांठ लगी हो वही आदमी इसको कर सकता है, खुले लंगोटे वाला आदमी इसको नहीं कर सकता। अब मैं आपको कुछ इसका बताता हूँ विधान। 10 माला इस मंत्र की आपको प्रतिदिन जाप करनी है, 11 माला कर दे बहुत उत्तम रहेगा। जाप जो होगा रुद्राक्ष की माला से होगा, उसे वस्त्र से ढककर या गोमुखी में रखकर ही जाप करें। दिशा आपकी पूर्व दिशा होगी, वस्त्र आपके लाल होंगे, आसन आपका लाल होगा, सामने बेजोट पर, लकड़ी के बेजोट पर कपड़ा बिछा कर अच्छी तरह, और कुछ चावल लेने, 1 पाव चावल लेने, अक्षत साबुत चावल लेने हैं आपको कच्चे, और उनपे हल्दी का पाउडर डालकर उन्हें हाथ से मसल लेना है तो उनको हल्दी चढ़ जाएगी। उनकी ढेरी बनानी है, उस ढेरी के ऊपर शिवलिंग को स्थापित करना है। शिवलिंग को स्थापित करने के बाद एक लोटे में जल रख लो या आप कलश स्थापित कर लो, तो वहाँ देसी घी, शुद्ध देसी घी का जो है दीपक आपको जलाना है, और जब तक मंत्र जाप चले तब तक आपको करते रहना है। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन जो है गाय के गोबर के कंडे से आपको देसी घी का होम करना है। एक मिट्टी का पात्र ले लेना है आपने, उसमें दूध शक्कर यानी कि कच्चा दूध गाय का और थोड़ी शक्कर डालनी है, 1 चुटकी कच्चे चावल डालने, 1 ही चुटकी आपको शक्कर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, और 1 मुर्गी का अंडा, देसी चावल की लाई, कुछ खुशबूदार सफ़ेद फूल हो गए, ठीक है, इससे आपको करना है। और कोशिश करें इसमें रुद्राक्ष या चंदन, जो शुद्ध चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो, उसकी माला का प्रयोग करें। अच्छा, जब आपका जाप कंप्लीट हो जाए तो 1 टिक्की कपूर के ऊपर जोड़ा लौंग रख के जला देना है आपको। दूध, लाई, अंडा जो आपके पास है वो घर से बाहर किसी भी सुनसान निर्जन स्थान पर रख दें और चुपचाप वापस आकर घर में सो जाएं, किसी से बातचीत नहीं करें, कोई टोक पीस नहीं होना चाहिए। 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह आप इसको मंत्र को जाप करेंगे, आपको अविश्वसनीय घटनाएं दिखने लग जाएंगी जिन पे आपको विश्वास नहीं होगा। धीरे धीरे भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं जो वृतांत रूपी आपकी नज़रों के सामने आ जाएंगी। लेकिन वार्निंग है, इस साधना का 100% रिजल्ट है, किंतु एक बहुत जो है आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, ये
इस उद्देश्य के लिए वीडियो डाली जा रही है ताकि इस चीज़ में कोई कमी न हो। इस विद्या के क्षेत्र में जहाँ किसी चीज़ का अंत नहीं है, सब कुछ संभव है, और जिनके इष्ट नाग हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मंत्र ब्लॉग स्पॉट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के ब्लॉग स्पॉट पे मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। धन की कमी तो नहीं रहेगी जीवन में, ठीक है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में करें। अगर आप अपनी मर्जी से उठा करके मंत्र को तोड़ मरोड़ करके, विधि को तोड़ मरोड़ के अपनी बुद्धि लगाओगे और बिना आज्ञा के करेंगे तो इस अनुष्ठान में मेरा 0% भी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। खाली चे जो इस विद्या का प्रचार करने के लिए ये चीज़ डाली जा रही है, मैं अपना कोई निजी प्रचार इसमें नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद। राम राम। जय माता।